ऐसा लगता है कि बिग बॉस जानबूझकर प्रियंका के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, जानबूझकर प्रियंका को टारगेट किया जाता है और टोका जाता है। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहक। बिग बॉस के घर के अंदर प्रियंका चहल चौधरी का ऐसा कोई डिसीजन नहीं है जिसको बिग बॉस ने कॉल आउट ना किया हो, प्रियंका का ऐसा कोई फैसला नहीं है जिस पर बिग बॉस ने तोहमत ना लगाई हो। और कोई किसी और को नॉमिनेट करे, कोई भी रीज़न दे, वो उनको वाजिब लगता है, वो उनको जायज़ लगता है। लेकिन जब प्रियंका कोई रीज़न देती हैं तब बिग बॉस अंकित से सवाल करते हैं, प्रियंका को इनडायरेक्टली टॉन्ट कर देते हैं कि अच्छा तो ये रीज़न आपको सही लगा तो वो आपको सही लगा वगैरह वगैरह। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि फैंस जो है उन्होंने बिग बॉस को ही ट्रोल और टारगेट कर दिया है। सोशल मीडिया पर वी आर विद प्रियंका ट्रेंड कर रहा है विद मोर देन 1.5 लाख ट्वीट्स। जी हाँ, बिग बॉस हैज अ प्रॉब्लम विद प्रियंका चहल चौधरी नॉमिनेटिंग एनीवन एंड इंटरप्टिंग इन हर स्टेटमेंट्स। प्रियंका किसी को भी नॉमिनेट करती है उनको दिक्कत हो जाती है, प्रियंका कोई भी रीज़न देती है उन्हें दिक्कत हो जाती है। हमेशा प्रियंका जब कुछ कह रही होती है, कर रही होती है, तो बिग बॉस बीच में टोकते रहते हैं। ग्लैड दैट प्रियंकित गिव्स बीबी बैक, यानी कि प्रियंका और अंकित दोनों बिग बॉस की बात को सिर्फ सुनते नहीं हैं, जहां ज़रूरत होती है वहां दे देते हैं उल्टा जवाब, क्योंकि वो ज़रूरी भी होता है। बिग बॉस अपने आप को ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट समझने लगे हैं, यानी कि जो मेकर्स हैं वो बिग बॉस के जरिए अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लगे हैं। इतना ओपनली पार्शियलिटी करोगे तो कई कई बार सुनना भी पड़ सकता है, जो कि उनको सुनना पड़ता है। इनसे पंगा आसान नहीं है। दे बोथ आर पावर डुओ। प्रियंका वॉज सो राइट, निमृत अब तक बस सपोर्ट से बचती आई है, अब आई है झांसे में। जी हाँ, ये बात कल सब लोगों ने कही थी, प्रियंका ने कही ये बात कल, अर्चना ने कही ये बात कल, सौंदर्य ने भी, मतलब हाँ काइंड ऑफ कि हाँ अब तक आप जो है सपोर्ट से बचते आ रहे थे, लेकिन अब जब आप नॉमिनेशंस में आए हो, अब जब एक्चुअली आपका नॉमिनेशंस का बारी आया है, तो अब पता चलेगा कि वाकई क्या फैंस आपको बचा रहे हैं या नहीं, क्योंकि अब तक निमृत नॉमिनेशंस में ही नहीं आ रही थी। हैरानी की बात तो ये है जो कल बात जो सामने आई कि निमृत का ये सेकेंड नॉमिनेशन है बिग बॉस में। उन्हें आए हुए अप्रॉक्सीमेटली बिग बॉस में उन्हें आए हुए हो चुका है काफ़ी वक्त, 2-2.5 महीने। इन 2-2.5 महीने में ये उनका, वेरी शॉकिंग बट ये उनका दूसरा या तीसरा नॉमिनेशन है, तो इससे बड़ी हैरानी की बात क्या हो सकती है। उन्हें 2.5 महीने होने को आ रहे हैं और 2.5 महीने में वो सिर्फ 2 बार नॉमिनेट हुई हैं, उसके अलावा लास्ट का पूरा मंथ तो बचती बचाती आई हैं। खैर, बिग बॉस जिस तरह से प्रियंका को हर बात पर टारगेट करते हैं, जिस तरीके से उनके कहते हुए में उन्हें टोक देते हैं, इन सारी चीज़ों पर जनता काफ़ी अग्रेसिव हो रही है। आपको क्या है कहना, बताइएगा ज़रूर।